जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खिलजी डायनेस्टी की हिस्ट्री को एग्जाम परस्पेक्टिव से बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कितने स्ट्रक्चर्स बनवाए गए थे भारत में और इन्होंने कितनी पॉलिसीज लागू की थी अपनी सोसाइटी पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं तो कैसे उन्हें खिलजी फैमिली द्वारा ओवरपावर किया जाता है और एस्टैब्लिश कर दिया जाता है खिलजी डायनेस्टी। और 1290 में खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो चुकी थी इसके फाउंडर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। दोस्तों, ये डायनेस्टी जब बदलती है तो यहाँ कोई वॉर नहीं होता है, बल्कि ये कुछ ऐसे होता है कि जो टर्को अफगान के नोबल्स थे उनकी मेजॉरिटी ज्यादा हो जाती है स्लेव डायनेस्टी के राजा के दरबार में, जिस कारण सत्ता बदल जाती है। अब हम दोस्तों एक एक करके सारे रूलर्स और उनकी पॉलिसीज और उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहले है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के। और दोस्तों, इन्हें सेलिमेंसी जलालुद्दीन का टाइटल मिला था, जिसका कारण था कि ये बहुत शांति चाहते थे और बिना वायलेंस के रूल करना चाहते थे। और दोस्तों, इनका टेन्योर ज़्यादा लंबा नहीं था और इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया था कारा और अवध का। अलाउद्दीन खिलजी इनके सन इन लॉ यानी दामाद लगते थे, साथ ही इनके नेफ्यू यानी भतीजे भी लगते थे। दोस्तों, कारा की टेरिटरी का जो सेंटर था उसको हम मिला सकते हैं आज के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के सेंटर से, और अवध आज के उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन को कहते थे। दोस्तों, हिस्ट्री को जियोग्राफिकली समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों, गद्दी पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा जलालुद्दीन फिरोज हत्या कर दिया और 1296 AD में खिलजी डायनेस्टी का रूलर बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अब दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी रूलर बनते ही अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करते हैं, जैसे कि इनके दो जनरल थे उलग खान और नुसरत खान, जिन्होंने गुजरात को जीत कर खिलजी डायनेस्टी के अंडर मिला दिया था। साथ ही अलाउद्दीन रणथंबोर को भी कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ के रूलर हमीर देवा को भी मार देते हैं। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी और उनके जनरल्स ने मालवा, चित्तौर, उज्जैन, मारवार, चंदेरी, जेलोर और आदि जगहों पर अपना कब्जा बना लिया था। और दोस्तों, इतनी टेरिटरी जीतने के बाद भी वो रुकता नहीं है, अब वो साउथ इंडिया में अटैक करना शुरू कर चुका था और खिलजी डायनेस्टी की तरफ से इसने अपने जनरल मलिक काफूर को भेजा, जो कि ककातिया डायनेस्टी के प्रताप रुद्र सेकंड, यादवा डायनेस्टी के रामाचंद्र देव, हौसल्या एम्पायर के रूलर वीरा बलाला थर्ड और मदुराई के पांड्या डायनेस्टी के रूलर वीर पांड्या को डिफीट कर देता है। और दोस्तों, इस समय तक इतने लोगों को डिफीट करने के बाद खिलजी डायनेस्टी लगभग पूरे भारत पर एक्सपेंड कर चुकी थी। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने रामेश्वरम में एक मस्जिद बनवाया, साथ ही इसने अलाई दरवाजा बनवाया और पैलेस ऑफ 1000 पिलर बनवाया, जिसे हजार सुतून भी कहते हैं। साथ ही इसने सिरी में एक किला भी बनवाया। साथ ही दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर 12 बार मंगोल इन्वेजन होता है, लेकिन वो इसे रोक देता है। और अब हम दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को समझने की कोशिश करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी किंगशिप के डिवाइन राइट थ्योरी को फॉलो करता था, यानी ये मानता था कि इसका राज्य खुदा के द्वारा बनाया गया है और इसे भी खुदा के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ये थ्योरी यही बताती है। साथ ही दोस्तों, इसने रूलर बनते ही 4 ऑर्डिनेंस पास किया ताकि इसके खिलाफ बगावत ना हो सके। सबसे पहले जो जमीनें दान की जा रही थी मंदिरों के लिए, इसने उसको बंद किया और इसने स्पाई सिस्टम को मॉडिफाई करके काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दिया, यानी अपने जासूसों को काफ़ी हक दे दिया, जिस कारण वो सोसाइटी की सारी इंफॉर्मेशन इस तक पहुंचा देते थे और बगावत की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। तीसरा ये है कि इसने वाइन को बैन कर दिया था ताकि इसके जो भी सोल्जर्स नोबल्स रहें वो नशे की लत ना लगाएं और काम ज़्यादा करें। और चौथा यह है कि उसने अपने नोबल्स की सोशल पार्टीज़ को बंद कर दिया था, यानी बिना इसकी परमिशन के वो अपना सोशल पार्टी नहीं कर सकते थे। और तो और दोस्तों, वो अपने बच्चों की शादी भी एक दूसरे से नहीं कर सकते थे बिना इसकी परमिशन के। और यही है दोस्तों 4 ऑर्डिनेंस, जो कि इसलिए लागू हुआ था ताकि बगावत ना हो सके। साथ ही इसने ही पहली बार परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को इंट्रोड्यूस किया, यानी एक आर्मी की ऐसी टुकड़ी जो परमानेंट रेडी रहेगी लड़ने के लिए। साथ ही इसने ही डैग सिस्टम को स्टार्ट किया था, यानी जितने बेहतरीन घोड़े होंगे वही इसके कावेलरी के पास जाएंगे। और तो और, इसने अपने सोसाइटी में चेहरा सिस्टम भी लगाया था, ये ऐसे कह सकते हैं कि हर सोल्जर्स नोबल्स का बायोमेट्रिक होता था, यानी सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास हुआ करती थी। अब दोस्तों, इसने अपने सोसाइटी के मार्केट के लिए क्या क्या किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसने जो मार्केट में कमोडिटीज बिकती थी उनका रेट फिक्स कर दिया ताकि कोई भी दुकानदार मनचाहा दाम पर कोई कमोडिटी ना बेच सके। साथ ही इसने दिल्ली में 3 मार्केट लगाए थे,
पहला फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरा कॉस्टली क्लॉथ के लिए और तीसरा घोड़े, गुलाम और पशुओं के व्यापार के लिए। साथ ही दोस्तों ये स्ट्रिक्टली ब्लैक मार्केट पे प्रबंध लगाता है, जो कि कुछ ऐसे किया गया था कि जितने भी उस समय के मार्केट हुआ करते थे वो उस समय के एक ऑफिसर के अंडर में आते थे जिसे शाहना कहा जाता था, जो कि शॉपकीपर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता था। और दोस्तों अब आता है यहाँ पे अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का काफी फेवरेट पोएट और एक म्यूजिशियन भी था। लेकिन दोस्तों अब 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है। कई हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि इसे स्लेव जनरल मलिक काफूर द्वारा मारा जाता है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद मलिक काफूर इसके सबसे छोटे बेटे शियाबुद्दीन को रूलर बनाना चाहता था, लेकिन दोस्तों फिलहाल जो पावर थी वो अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े बेटे मुबारक खान के हाथ में थी और मलिक काफूर को पैलेस के गार्ड के द्वारा मार दिया जाता है और मुबारक खान रूलर बन जाता है खिलजी डायनेस्टी का। ये उतना कुशल रूलर नहीं कहलाता और 1320 तक ये रूलर रहता है। फिर इसे गियासुद्दीन तुगलक द्वारा डिफीट कर दिया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है तुगलक डायनेस्टी। आई होप आप ये दिल्ली सल्तनत की सीरीज इंजॉय कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।